नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 13 Plus 5G versus Samsung Galaxy M55 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 13 प्लस में 6.37 इंच जबकि M55 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 13 प्लस में 2.94 इंच जबकि M55 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 13 प्लस में 0.3 इंच जबकि M55 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 13 प्लस से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 13 प्लस में 185 ग्राम जबकि M55 5G में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 13 प्लस में OLED जबकि M55 5G में सुपर AMOLED प्लस की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 13 प्लस में 20:9 जबकि M55 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 13 प्लस में 6.67 इंचेस जबकि M55 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 13 प्लस में 88.92% जबकि M55 5G में 86.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 13 प्लस में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M55 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 13 प्लस में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और M55 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 13 प्लस में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M55 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 13 प्लस में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M55 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 13 प्लस में माली जी 615 MC2 जबकि M55 5G में Adreno 644 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 13 प्लस में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी और M55 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 मिलता है। बात करें रैम की तो 13 प्लस में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है, जबकि M55 5G में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 13 प्लस में अप टू 2TB जबकि M55 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 13 प्लस में 3 कलर्स जबकि M55 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
13 प्लस में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M55 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 13 Plus 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं Samsung Galaxy M55 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo S19 5G है, तीसरा Moto G85 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Honor 200 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।